रामपुर जिला के वाड्रप नगर एसडीओपी की त्वरित कार्यवाही से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले लोगों में मचा हुआ है हड़कंप। 31 तारीख को कोरेक्स सिरप परिवहन करते दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रशासन का सभी सड़कों पर 24 घंटा चेकिंग चल रहा है और लोगों के सभी गतिविधियों पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें, ऐसे मामला बलरामपुर जिले में अवैध शराब बिक्री व नशीली पदार्थ पर अंकुश लगाने के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है। मुखबिर के सूचना मिली कि ग्राम प्रतापपुर निवासी मोहम्मद आरिफ अंसारी उर्फ ठुइया एवं संजय विश्वकर्मा द्वारा अवैध रूप से कोरेक्स सिरप की परिवहन की जा रही है। प्राप्त मुखबिर सूचना के आधार पर राजीव गांधी चौक वाड्रप नगर के पास ग्राम प्रतापपुर निवासी मोहम्मद आरिफ अंसारी एवं संजय कुमार विश्वकर्मा को 34 नग कोरेक्स सिरप के साथ CT100 मोटरसाइकिल में परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार किया है। वहीं दोनों आरोपी के विरुद्ध 21 एनडी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। आपको बता दें, पूरे जिले में आए दिन तरह तरह के मादक पदार्थों का कारोबार हो रहा है। वहीं अन्य राज्यों से ला करके छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में बेचने का धंधा पिछले कई महीनों से चल रही है। पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर लोगों की गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। इस दौरान 31 तारीख को दो लोगों को कोरेक्स सिरप, जो कि खांसी की दवाई में उपयोग होता है, लेकिन आजकल के युवा इसको नशे के रूप में उपयोग कर रहे हैं। इस छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।